सो हेलो एवरीवन, हाय गाइस। और बिल्कुल आज का वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जो है बिल्कुल इसे आखिरी तक देखिएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 100% जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन अगर मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मार्केट में वो बूम मचा देता है और एकदम उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और ओ कनेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है और भी फ्यूचर में जो प्रोडक्ट आएंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, अभी हमारा जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। मतलब पहला जो प्रोडक्ट, हम जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करें पेट प्रोडक्ट की, वो है हमारा ओ कनेक्ट। तो ओ कनेक्ट जो है, इसमें एक बात ये आती है कि क्या ये 100% जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसका कैसे आगे होगा, उसका फीडबैक क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज करने वाले हैं। तो देखिए, ओ कनेक्ट जो है, अभी आपको बता दें कि अभी हम अभी भी कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट बन रहा है या पूरी तरह से रेडी हो चुका है, राइट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपने मिस्टर ऐश मुफारी सर को भी सुना होगा कि जब भी हम अगर कस्टमर तक फाइनली जाते हैं तो एक पूरी तरह से एक वो पहली बार में जो बोल देंगे ना कि हम 100% एकदम तैयारी के साथ जाएं, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन वाली बात जो बताई गई थी, तो वो बात होती है। तो आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे कि ओ कनेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ओ कनेक्ट अगर हम यूज़र फ्रेंडली है, मतलब पूरी तरह से अगर आप देख रहे हैं बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी आपको कई चीज़ें ऐसी लगती होंगी जो आपको लग रहा होगा कि यार इसमें यह शायद ये कमी है और ये है, इसमें ऐसा और बेहतर होना चाहिए। देखिए, कंपनियां मार्केट में कौन सी वाली टिकती हैं जो कि मतलब अपने हिसाब से काम नहीं करती हैं बल्कि कस्टमर के फीडबैक के ऊपर काम करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर के फीडबैक के ऊपर काम करती हैं। मतलब आपके पास सब कुछ तो परफेक्ट है। देखिए, दुनिया में कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो उसमें 100% सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा हर कंपनी में ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। भला से वो एप्पल जैसी कंपनी भी हो, आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ जैसी कंपनी हो और भी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं उसमें भी जो है आप देखेंगे कि जो फीडबैक लिया जाता है कस्टमर का, फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस फीडबैक से ये पता चलता है कि उसमें हमें और क्या कमियाँ हैं। मतलब कई बार हम डेवलपर्स तो अपने तरीके से रेडी करके मार्केट में 100% प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ नज़र आती हैं। तो ये कब पता चलता है? जब वो कस्टमर तक पहुँचता है। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आज हम वो कनेक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसके फ्री ट्रायल को यूज़ कर पा रहे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं हमारा फीडबैक भी जो है कंपनी में जा रहा है। एज हम अर्लीस्ट कस्टमर अगर बोले ऑन पैसिव के तो गलत नहीं होगा। डेफिनेटली हम फाउंडर जरूर हैं लेकिन अर्लीस्ट कस्टमर में भी हम आते हैं। तो अगर हम कस्टमर में आ रहे हैं तो हमारा फीडबैक यहां बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसा मैं हूं, आज मैंने इसमें ये कमी देखी, मुझे ऐसा लगा कि ओकनेक्ट में शायद आई थिंक ये बेहतर होना चाहिए था, या आपने सोचा यार ये नहीं, ये बेहतर होना चाहिए था। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार शायद हमारा ये जो ओकनेक्ट इतना बेटर नहीं चल रहा है, कई लोगों को जैसा मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो ये आपका भी जो है कहीं ना कहीं फीडबैक कंपनी में जा रहा है। तो आपके पास भी ये जो क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि यार मेरा ये इसमें डिवाइस में ये दिक्कत है, डेफिनेटली हमारे डिवाइसेस को थोड़ा आपको रिफ्रेश करके नया ब्रांड बिल्कुल एकदम थोड़ा यूज़ करें बेहतर होगा। बट आप जो है और नई नई डिवाइसेस को यूज़ करें या फ्रेश डिवाइस को यूज़ करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो हो सकता है कई बार हमें जो है सही तरीके से रिजल्ट ना मिले हमारी डिवाइसेस के ऊपर। लेकिन अभी आप एक चीज़ और देखेंगे कि अभी अभी भी जो है हम अभी पेड वर्जन बहुत जल्दी ऑन पैसिव का जो ओ कनेक्ट का प्रोडक्ट का आ जाएगा और मार्केट में पूरी तरह से जब इसको यूज़र लोग यूज़ करने लग जाएंगे तो जब वहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पर मिस्टर ऐश की यही कोशिश है कि आपके पास एक ही बार में ऐसा ज़बरदस्त चीज़ हम ला दें ताकि उन्हें बार बार दिक्कत ना आए। मतलब ऐसा नहीं है कि ओ कनेक्ट जो है पब्लिकली लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद में जो है उसमें और फीचर्स नहीं जुड़ेंगे, उसमें कुछ कमियाँ नहीं होंगी। बिल्कुल उसमें भी कुछ ना कुछ जो फीडबैक आएंगे कस्टमर के, मतलब फाउंडर्स तो हैं, उसके अलावा जो कस्टमर नए आएंगे उनका भी यहां पे फीडबैक डेफिनेटली बहुत मायने रखेगा, राइट। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अभी जो ओ कनेक्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा या बहुत टाइम इसको लग जाएगा आने में, मार्केट में आने में। देखिए, फ्री ट्रायल ऑलरेडी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं और इसके अलावा भी जो है अभी आप पेड वर्जन जैसी आ जाएगा तो अब एक चीज़ पे और आपने फोकस किया होगा कि और भी ज़्यादा इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि ओ कनेक्ट का हमारा जो है OES की बात करें, अगर मेन बात करें अगर हम OES की, तो सारा रास्ता OES से होकर जाने वाला है। सिंगल क्लिक में आप सारे प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो
OES की वेबसाइट के ऊपर, माफ कीजिएगा, OES की जो हमारी एप्लीकेशन है जो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, उसके साथ ही साथ जो मिस्टर ऐश को आपने सुना होगा कि हमारे बहुत ही जैसे डेस्कटॉप जो बोल सकते हैं डेस्कटॉप ऐप वगैरह है जो भी वर्जन है उसको यहाँ पर और भी ज़्यादा जो है स्मूथ बनाया जा रहा है अभी भी। तो हमारी ऐप के ऊपर जो है लगातार काम चल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लास्ट एक दो वीक पहले ही जो इस बात का जिक्र हुआ था कि हमारे डेवलपर्स लगातार इसमें दिन रात लगे हुए हैं और ये पूरा यूजर फ्रेंडली होकर के और भी ज्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब अभी जो हम वर्जन यूज कर पा रहे हैं उससे भी बेटर एंड बेटर इसको लगातार जो है किया जा रहा है। तो यहां पर जब फीडबैक आएगा आने वाले दिनों में कस्टमर्स का फीडबैक, वो भी बहुत यहाँ पे मायने रखने वाला है। आप देखिए कई बार आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे मर्सिडीज हुई या होंडा की गाड़ियाँ हुई, जो कारें हुई हैं उसमें आप देखेंगे कि जब कुछ कमियाँ होती हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से हटा के फिर उसे नया बिल्कुल लेटेस्ट करके फिर लाया जाता है मार्केट में, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर को किस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें आनी है, कस्टमर का यहाँ पे क्या फीडबैक होना, ये बहुत मायने रखता है। तो आप अभी हम एज ए फाउंडर हैं तो हमारा यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम जो भी हमें कमियाँ लगती है तो डेफिनेटली आप जो है शेयरिंग वगैरह करते हैं उसमें कोई गलत नहीं है। भाई एक क्वेश्चन होता है कि इसमें ये है सर, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। एक्चुअल में वो कंपनी के पास एक फीडबैक जाता है और ये फीडबैक जो होता है ना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फीडबैक जब जो है जब कंपनी के पास जाता है तो उसके हिसाब से वो काम करती है। देखिए नोकिया है फॉर एग्जाम्पल, वो बार बार इसको बताया जाता है कि नोकिया कंपनी एक टाइम सबसे टॉप पर थी, मतलब नोकिया का कोई तोड़ नहीं था पूरे मोबाइल, मतलब 90% से ज्यादा मार्केट जो है नोकिया का ही था एक टाइम में। लेकिन क्या हुआ कि उसने अपने हिसाब से काम किए, ऐसा 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 वो ठीक था लेकिन उसमें गलत नहीं था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी आ रही थी नई नई टेक्नोलॉजी उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो अपने हिसाब से काम कर रहा था। लेकिन ऑन पैसिव में एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो आ रही है, लेटेस्ट वर्जन जो आ रहे हैं, फ्यूचर में जो और भी लेटेस्ट वर्जन आएंगे उस पर ऑन पैसिव की जो टेक्नोलॉजी है ना ये काम कर रही है, ध्यान से सुनिए, ये सारी उसी पे काम कर रही है। तो आप जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के परेशान मत होइए, कंपनी के पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फीडबैक जा रहा है और वो 100% जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली बात है वो यहाँ पर 101% आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम जो कुछ लोग फेस कर पा रहे हैं वो नहीं होगी। ये भी एक बात आपको क्लियर मैं कर दूँ, क्योंकि यहाँ अभी हम किसी और से कंपेयर करते हैं कि यार जैसे वो फलानी कंपनी में वो ऐप तो बड़ी आसानी से चल रही है, वो फेसबुक में तो ये सब बड़ा आसानी से होता है, हम तो इसको कर नहीं पाते, वो जूम में तो ऐसा और फलानी ये कंपनियों में ऐसा होता है, ये तो कर नहीं पाते। यार वो इतनी 15-20 साल पुरानी कंपनी है, 10 साल पुरानी कंपनी है। अभी ऑन पैसिव जो तैयार हुआ है ओकनेक्ट कुछ ही सालों पहले तैयार हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा जो है ओकनेक्ट जैसा प्रोडक्ट बनाने में फेल हो चुकी हैं, लेकिन ऑन पैसिव में ओकनेक्ट में डेवलपर्स को थैंक्स है और मिस्टर ऐश मुफारे सर को थैंक्स है कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन को इतने कम टाइम में वो लेकर के आ गए। और आपको बता दें ये एप्लीकेशन बहुत बड़ी है ओ कनेक्ट की, ये छोटे मोटे जो डेवलपर उसको बना पाना इम्पॉसिबल है, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। और आप अभी आने वाले दिनों में देखेंगे कि जिस तरह से हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा इसका और ऐप के ऊपर जो काम चल रहा है ये और भी ज्यादा स्मूथ होगी। और जो बोला जा रहा है ना सिंगल मतलब साइन इन में आप OES पे क्लिक करेंगे आप ओ कनेक्ट को यूज कर पा रहे हैं और भी अदर प्रोडक्ट्स को यूज कर पाएंगे। तो ये सारी यूजर फ्रेंडली चीजें हमारे लिए तैयार हो रही है दोस्तों। तो यहां पर ये बात तय है कि 100% यहां पर आपको 101% जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो मिलने वाला है फ्यूचर में मिलेगा। और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर जो है देखिए कहीं भी पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उनका फीडबैक भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है। तो अभी जो हमारा फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी जो छोटी मोटी आपको कमियाँ अगर लगती हैं तो डोंट वेरी, ये सारी सॉल्व हो जाएंगी। और क्योंकि हम बहुत क्लोज आ चुके हैं, अब उस लेवल पर आ चुके हैं कि पब्लिकली हम जा रहे हैं और यहाँ पर आते ही यहाँ पर जो मिलियंस मिलियंस बिलियंस कस्टमर जो आ रहे हैं वो हमारे सिस्टम के नीचे आ रहे हैं। तो सोचिए जब हम पूरी तरह से आ जाएंगे मार्केट में, जब इसके सब्सक्रिप्शंस लोग लेंगे, इसके पैकेजेस आ जाएंगे, इसके पेड वर्जन्स आ जाएंगे, तो आप सोचिए यहाँ पर कई कंपनियाँ हमारे साथ आ रही होंगी, कई कंपनियाँ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगी और ये जो है आप देखेंगे धीरे धीरे फिर उनका भी कहीं ना कहीं फीडबैक आएगा और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा और एक बड़ा लेवल जो हम देख रहे हैं ऑन पैसिव का आने वाले दिनों में ये बढ़ता जाएगा। तो छोटी मोटी अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रहे हैं तो डोंट वेरी गाइज, ये सब सॉल्व हो जाएगी क्योंकि हम पब्लिकली जब आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक पूरी तैयारी के साथ और एक नए जोश और जुनून के साथ आ रहे हैं। और हम सबसे बड़ी बात तो ऑन पैसिव के हर प्रोडक्ट को बनते हुए देख रहे हैं, किसी और से कंपेयर मत करिए दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है और ये ऐसे ही काम करेगी और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत बड़ा जो होने जा रहा है ऑन पैसिव में, ये एक बहुत बड़ा बूम है मार्केट में, एक मार्केट बूमर है हमारे सारे प्रोडक्ट, स्पेशली ओ कनेक्ट। बस देखते जाइए, आने वाले दिनों में जो धमाके होंगे उसको एंजॉय कीजिए गाइस। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।